तो जैसा कि भाई लोग आप देख रहे हो, हमें सिर्फ चार चीज़ें चाहिए एक एक्सपी फॉर्म बनाने के लिए, एक स्पाइडर स्पॉनर, दो वाटर बकेट, दो हॉपर और दो चेस्ट। तो कल भाई लोग मैं माइनिंग कर रहा था, माइनिंग करते करते मेरे को स्टार्टिंग में एक स्पाइडर स्पॉनर मिला। मैंने सोचा क्यों ना स्पाइडर स्पॉनर से एक्सपी फॉर्म बनाया जाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्पाइडर स्पॉनर। तो ये है वो स्पाइडर स्पॉनर, मैंने चारों तरफ टॉर्चेज लगा दी ताकि कोई स्पाइडर स्पॉन ना हो सके यहाँ पे। इसी के साथ हम चलेंगे अपनी गुफा में और जहाँ पे स्पाइडर स्पॉनर है। देखो ये स्पाइडर स्पॉनर है, गुफा में मिला था ये, मैंने एक तरफ से बंद कर दी है और दूसरी तरफ से भी बंद कर देंगे हम इसको, पैक कर देंगे पूरा। और नीचे यहाँ पर तीन ब्लॉक नीचे माइन करेंगे, तो हम नीचे तीन ब्लॉक तक तोड़ देंगे जिससे कि जब हम पानी नीचे से डालें तो स्पाइडर जितने भी स्पॉन हो वो पानी के थ्रू आराम से आ जाए बिना अटके। तो आप देख सकते हो मैंने ये पूरे एक तरीके से तीन ब्लॉक तक पूरा खाली कर दिया नीचे। तो जो हमारी गुफा खुली हुई है ये दूसरी तरफ से, हम इसको जल्दी से पैक कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ डायमंड मिले हमें, तो हम ये डायमंड भी निकाल लेंगे। मॉब्स मर के पास ही थे, तो टोटल डायमंड कितने हैं देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5, अरे वल्ला 6, टोटल 6 डायमंड हो गए। अब हम इसको पैक कर देंगे। तो अब हम एक जगह बनाएंगे जहाँ पे स्पाइडर्स आएंगे और उनको हम मार के एक्सपी कलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे एक चेस्ट लगाएंगे, हॉपर लगाएंगे जिसमें जो भी सामान उनमें से निकलेगा स्पाइडर से वो चेस्ट में चला जाए। तो आप कोई भी साइज़ का रूम बना सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इतने बाय इतने का ही बनाना है। मैं एक छोटा सा रूम बना रहा हूँ कहाँ जिस पर मेरी दो चेस्ट और एक हॉपर लग जाए। तो अब हम डालेंगे यहाँ पे पानी। तो हम यहाँ पे दो दो कोने कॉर्नर्स में ऐसे इस तरीके से ब्लॉक्स लगाएंगे। और दोनों तरफ लगा देंगे ताकि पानी का फ्लो बढ़िया जाए। इस तरीके की शेप में ब्लॉक्स लगा के, और दो बकेट चाहिए पानी की, और दोनों बकेट हम यहाँ पे लगा देंगे। चल भाई ये क्या हो रहा है, अरे पानी आ रही है आगे जाने दे रहा। चल ठीक है, हो गया। और ये डाल दिया पानी, आप देख सकते हो इस तरीके से फ्लो, यहाँ पे जितने भी स्पाइडर गिरेंगे सीधा नीचे आएंगे और इस जगह पर हम इनको मारेंगे। तो पानी का फ्लो चेक कर लेते हैं, पानी के फ्लो कैसे चल रहा है। तो जैसे अगर वो इस कोने में भी स्पॉन होती है तो वो अपना पैसे पानी के बहाव में इस गड्ढे में आ जाएंगे। चलो बाकी टॉर्च तोड़ के ये ब्लॉक लगा देते हैं। अरे ये गलत लग गया, कोई बात नहीं, इसको भी तोड़ देंगे टॉर्च को, और यहाँ पे भी लगा देंगे हम ब्लॉक। और अंधेरा हो गया यहाँ पे काफ़ी, पहले टॉर्च लगा लेते हैं एक। अब यहाँ पे हम चेस्ट लगा देंगे, एक डबल चेस्ट, और इसके ऊपर लगाएंगे हॉपर। हमेशा क्राउचिंग पोजीशन में लगाना चाहिए चेस्ट के ऊपर हॉपर, जिससे बिल्कुल सही लगे। अब हम टॉर्चेस तोड़ देंगे स्पॉनर के, सारी जितने भी रूम के अंदर टॉर्चेस है तोड़ देंगे और हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और एक लास्ट टॉर्च रह गई है, इसके नीचे का हमने ब्लॉक तोड़ दिए। टॉर्च तोड़ते ही देखा आपने कैसे स्पाइडर्स आ गए, और हमने यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया। अब हम आराम से यहाँ पे खड़े होकर इन स्पाइडर्स को मार सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट हुआ है मेरे को इनको मारते हुए, मेरी 15 से 20 XP हो गई है, और मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ा भी कर दिया है, और मेरी 15 XP से सीधा 20 XP हो गई है। इतनी फास्ट आप देख सकते हो अभी भी आ रहे हैं स्पाइडर्स और मैं इनको मारे जा रहा हूँ, मेरी XP बढ़ती जाएगी। और मैंने इसको थोड़ा सा वाइड भी कर दिया है, जहाँ पे एक ब्लॉक का स्पेस था तो मैंने 2 ब्लॉक का स्पेस कर दिया, और दो हॉपर लगा दिए चेस्ट के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर काफ़ी सही XP मिल रही है मुझे, और सामान भी काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया है। और इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।